क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज दिन का टाइम, हम जल्दी उठे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, हमने आज करने हैं काम। सबसे पहले मदनी दहरे की, एक तो हमने पाइपिंग नीचे लटक गई थी कल, वो सही करानी है। उसके बाद उसके ब्रेक पैड्स चेंज कराने, हो सकते हैं वो रात के ऊपर है। बगैर फिर देरी के चलते हैं, फिर हम रस्ते पर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, मिलते हैं फिर आपको रस्ते में। चेक करो यार, माशाल्लाह। इसकी स्क्रीन का भी कुछ करते हैं यार, ये भी चेंज कराते हैं। चश का टाइम हम स्विच ऑन करेंगे। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स फॉर यू। लो जी, चेक करो स्क्रैपिंग की आवाज़। पाइप असल में टूट गई थी, तो ये इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही है। अभी पाइप का भी जाके कुछ करते हैं। अभी आधे रास्ते में ऐसे ही जाना है, लेकिन इसको हम गैराज जाके ऊपर बंधवा लेते हैं। फ्रेश रिम फॉर यू। हमारे पास वो जो एक प्रोजेक्ट शरार नहीं खड़ी हुई रेड, जिसको हम कर रहे हैं, ये उसके लिए रिम्स हमने पकड़े हैं। RPF1 फ्रॉम बिग बॉय मोटर स्पोर्ट्स, माय फ्रेंड अंसारी। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि यार गैराज जब किधर लेके गए हो। अब छतरी चौक से मैं आपको रास्ता समझाता हूँ। आप छतरी चौक से आ रहे हो सीधा टूवर्ड्स LDA का इशारा। देखो, आपके लेफ्ट पे आता है लॉर्ड ऑफ फूड का रेस्टोरेंट, ये है, हमने उसके ऑपोजिट जाना है। ठीक है, आगे से हमने यूटर्न लेना है, फर्स्ट यूटर्न जो आता है, ये फर्स्ट यूटर्न बनता है। आपने यहाँ से यूटर्न लेना है। ओके, यूटर्न ले लिया हमने। लेके अब हम आए हैं ये वाइट बिल्डिंग, याद रखा करो, इसको क्रॉस करके फर्स्ट जो अब कट बनेगा ना, वहाँ से आपने सर्विस लेन में उतर आना है। ये हमारा लॉर्ड ऑफ फूड है, रेस्टोरेंट है, इसके ऑपोजिट ये कट है, यहाँ से आपने नीचे होना है। गूगल मैप से आप ये बफ एंड स्टफ की लोकेशन भी लगा के आ सकते हो। आउच, वैसे तो मैप से हमने लोकेशन अपडेट कर दी है, पर काफ़ी लोगों को नहीं मिलती वो भी। यहाँ से आपने होना है लेफ्ट, लेफ्ट हो गए अब, सीधे आना है और फर्स्ट राइट होना है हमने। हमारा बनता है ये, जो कि है Street 4। Street 4 में एंटर हो गए हम, बिल्कुल वो सामने ये वाला गेट है, ये वाला बैग नहीं, गेट इज द गेट। गैराज आके हमारे सामने गिफ्ट है, हमारे लिए गिफ्ट ये है कि हमने पैड्स के पैसे पहले दे चुके थे, पैड्स हमारे आ गए हैं मदनी के, हमारे नहीं, गंदी सोच नहीं। अच्छा, सीन ये है कि बूटा जी को मैं लगा दिया कि उसकी पाइप सही करने अभी के लिए, ऊपर करते हैं उसको बांध दें, पैड चेंज कराते हैं क्योंकि आवाज़ बहुत कर रही है, ये ना हो कि तवा ख़राब हो जाए बिल्कुल ही। और फिर देखते हैं ये और क्या सीन पार्ट करना है ब्रो। तो सीन ये है कि मेरी खत थी वो हो गई है, देखो प्यारा लग रहा हूँ। उसके बाद हमारा रह गया मदनी के ब्रेक पैड्स डालने हैं, तो भी इंशाल्लाह डालते हैं। उसके बाद का देखते हैं क्या प्लान है, कुछ ना कुछ करते हैं उसके बाद भी सीन। फाइनली ब्रेकों का भी काम खत्म ही है, ब्रेक्स की हालत देखो यार, पैड्स की चेक करो, ये तो फिर थोड़ा बहुत लेदर लगा, वो किधर गया जिस पे लेदर ही नहीं, वो तो पैड भी रगड़ गया। तब हमारा अभी के लिए ठीक है, काम चल रहा है। साथ साथ एक हमें एक और गिफ्ट मिला है मदनी के लिए, वो आपको चेक कराते हैं। पहले देखा होगा आप लोगों ने शायद, अगर मैंने दिखाया हो, वो है ओरिजिनल म्यूगन के जैस्मा अप्रूव्ड हेडर्स 421। हेडर्स का हमें फ़ायदा ये होता है कि मिड रेंज से टॉप एंड तक उसकी पावर इंक्रीज होती है, टॉर्क कह लो उसको, इनिशियल टॉर्क होता है। 421 से फ़ायदा ये होता है कि 421 से लो एंड वाला टॉर्क अच्छा होता है और ओवरऑल ही एक स्टेबल जाता है, और उससे मतलब इन सिटी ड्राइविंग, डेली ड्रिवन गाड़ियाँ और फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी आ जाती है, तो वो इस लिहाज से बेहतर है। दूसरा इस लिहाज से भी बेहतर है कि इसका घाटा ऊपर होगा, हमारा चैम्बर अल्लाह ना करे दोबारा कभी लगे, अभी तो खोलना रिपेयर होना है, आराम से खोला जा सकता है इसको, हेडर को आराम से ऊपर खोला, लैदा किया, नीचे से पाइप लैदा की, नीचे से जैमर खोल दिया, ठीक है, गुड सीन है इस हेडर का। और इसको हम अभी पॉलिश कराएंगे और फिर हम इसको वेच करेंगे मदनी। हेडर हमने इधर दे रहे हैं इसको बफ के लिए, ये ऐसी चीज़ निकल जाएगी, ये भी ऐसी है, और ये कहाँ कहाँ तक होएगी, मतलब जहाँ तक कोशिश करेंगे जितना बेहतर। चलो ठीक है, क्या मदनी की जो स्क्रीन थी वो भी चेंज करा लें, उसके बाद पिछली स्क्रीन के अंदर से पानी आता था वो भी उतार के दोबारा लगा रहे हैं, और हेडर्स हमने इसके पॉलिश कराने देने थे वो भी दे दिए हैं, अब इंशाल्लाह इसकी पाइपिंग भी सही कराते हैं और जैसे छोटे मोटे काम रह गए हैं ताकि
गाड़ी कंडीशन की तरफ आती जाए। चलो दिखाते हैं फिर आपको, अभी स्क्रीनें इसकी उतर रही हैं, वो खड़ी है गाड़ी हमारी, स्क्रीनें उतर रही हैं इसकी, तब तक हम चाय पी रहे हैं। पिछली स्क्रीन हमारी उतर गई है, ये हमारे अरसलान भाई लगे हुए हैं, बाकी गाड़ी आपको पिछली दफ़ा भी दिखाई थी ठीक ही थी, अभी तक और तो नहीं कोई मसला हुआ ना, वैसे ही है। अच्छा अगली स्क्रीन भी उतर गई है, आगे से भी ठीक ही है। बफिंग ऑलमोस्ट सारा हो गया, हम थोड़ा लेट हो गए इसकी वजह से। इधर देखिए शक्ल दिखाई सर अपनी, हेडर चेक करो यार अपना, माशाल्लाह बफ हो गया है, पॉलिश हो गया है, कंपाउंड भी हो गया है, सारा कुछ हो गया है, चेक करो ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। अच्छा सीन ये है कि हमारी दोनों स्क्रीनें लग गई हैं, हमारा आज स्क्रीन वाला काम हो गया, थोड़ा डिस्प्ले भी गंदा है, लेकिन अभी हम सुबह इसको साफ सूफ करेंगे, उतारेंगे, ये भी अभी वापस लगना है। हेडर्स वाला हमारा काम नहीं हुआ, मतलब हेडर्स फिट नहीं हुआ, लेकिन हेडर्स हमारे बफ होके इतने सेक्सी लग रहे हैं ना, चेक करो, ये भी हम इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम लगवा लेंगे। मिलते हैं अब आपको सुबह, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि लेट हो गया है, सी यू सून। फिर कल हम हेडर्स करवा के आ चुके हैं, हमारे हेडर्स बहुत सोने सोने लग रहे हैं, कल असल में लेट बहुत हो गए थे, बिट्टू भाई ने हमें सुबह का टाइम दिया था, आज हम सुबह भी लेट हो गए, उठे नहीं, अब हम जा रहे हैं तकरीबन कोई 5 बजे उनके पास गाड़ी, आज हेडर्स फिट करवा के गाटा शाटा लगवा के फिर ओके करा के लेकर आनी है। अभी हम स्ट्रेट पाइप भी रखेंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट पाइप पे जो पॉप्स एंड बैंक्स का मज़ा आ रहा है ना, वो चेक करो, अब आम ऐसे मुड़ मुड़ के देख रही है, देखो ये मज़ा है। कल जो हमारा गोला रह गया था वो भी प्लान भाई ले आए, अगर बिट्टू भाई के पास ही हेडर शेडर का भी काम हो जाएगा, साथ ही गोला भी लग जाएगा। फाइनली हमारी बारी भी आ गई। अरे तुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, पीछे तुझे पता है ना फुटपाथ पे तूने टच कर दी है, आगे से खुलता है भाई, ये प्रोजेक्ट कार है। क्या बता रहे हो, क्या हो जाती है, फ्लेक्स पाइप डालने से आवाज कम हो जाती है, मैं कहता नहीं होती, बिट्टू भाई कह रहे नहीं होती, तू बड़ा इंजीनियर भाई, ये तुम याद रखोगे, हमारा ये भी रह गया था, ये भी फिट हो रहा है, ये गोला सही नहीं फिट हो रहा था, ये दोबारा कर रहे हैं। बिरयानी खिला दो मुझे, सोत होने वाला हूँ, गूगल मैप बिरयानी मिल जाएगी इधर कराची में, उसकी बिरयानी तुझे पता है हर नुक्कर पे खुली होती है, जैसे गोरमे बेकरी है, ये भी मिल जाएगी, वो सामने जाके मिल्क शॉप पे जाके दूध पीते, हम भी ऐसे ही लड़ रहे थे इसके साथ कि आ जा बाहर, लेकिन नहीं आता था बाहर, वो भी यही कहती थी चल झूठा जान दे आन दे। बड़ी मुश्किलों बाहर आए हैं, आते ही हर चीज छिल छिला के, माशाल्लाह गाटा चाटा बन गया, अब हमने सिर्फ इधर लगाना है एसी का, ये चेक करो भाई, आज का सीन ये है कि आज हम हमारी ये साथ भाई हमारे प्यारे को, क्या नाम है आपका भाई, फुल नेम साथ भाई सपोर्ट एम साथ सर्वर सर्वर। अच्छा तो सीन ये है कि आज हम कॉन्ग्रेचुलेशन इन ऑर्डर, क्यों, क्योंकि हमने एक नई गाड़ी ली है, ये चेक करो, थैंक यू यार, नो वरीज। कौन सी गाड़ी भैया, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, 101 खैबर, क्या है इसके अंदर, क्या नहीं खैबर है, हाँ और फोर डोर खैबर है इसके अंदर, होंडा का D15 है, अच्छा नॉन वीटेक, ओके और एंड इट इज वेरी वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी गाड़ी बहुत गंदी है, इसको वॉश वूश कराते हैं, सबसे पहले हमने ये अश्लील स्टिकर्स उतारने, क्योंकि इनमें से ना तो ये साथ ना प्ले बॉय है, ना हीरो है, ना बड़ी क्लब है, ना बड़ी क्लब है, 69 ये करता होता है और ये जो हमने स्टिकर उतार रहे हैं इनका, नई हूँ हेडर्स दिखाती हूँ, ये चेक करो, खैर बिकॉज रेस कार, सिर्फ हेडर से देखो कितना फर्क पड़ गया उसको, नो फेक रिएक्शंस, क्या कर रहे हो ये, न्यू स्कीम यार, हेडर से देखा कितना फर्क पड़ा उसको, बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, इसमें अब एसी की जगह भी बन गई, इसके अंदर आगे कंडेंसर लगा के हमने एसी भी लगाना, बिकॉज दिस इज शो कार,
एंड रेस कार एंड स्लैम कार एंड डेली ड्रिवन एक्स एयर एक्स मदनी सतरंगी। बड़ी साफ ही थी, अभी हमने स्टिकर्स वगैरह उतारने हैं। इस साइड पे मौज ने शुरू कर दी है, ये इसके ऊपर वाला उतारते जाओ ना तो वो साथ निकलता जाएगा, उसके साथ का निकल जाएगा, साथ ने कहीं निकलना। शेरी कंपाउंड करके शाइन आ सकती है। हाँ, इसको पता ही नहीं लगा हुआ अभी तक, पता नहीं लग रहा इसको पता लगा हुआ। अच्छा किया क्वालिटी की बता रहा। नहीं रैप अच्छा है तो पेंट नहीं उतरा नीचे से ब्रो। अच्छा हाँ, या तो पेंट अच्छा है या रैप अच्छा है, एक चीज अच्छी है, दोनों खसी होंगी ना इसलिए ना बहुत तरह ना बहुत तरह। गाड़ी ले ली है पूरे, इसमें आ नहीं रहे जगह अल्लाह देख। अभी हमने ये स्टिकर वगैरह उतार दी गाड़ी से, माशाल्लाह गाड़ी नीचे से यार वैसे साफ है, इसको पता लगे कंपाउंड की जाए तो भाईजान गाड़ी मुंह जैसी है अभी वैसे, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। आपने भी नहीं मुंह धोया हुआ? नहीं पता चला। आपको अब इसका इंजन भी दिखाते हैं। कस्टम हेडर चले हुए हैं, सादा डी नॉन वीटेक डी 60 डी 15 वाई 4 डी, हां डी 15 बी वाई 4 नॉन वीटेक डी 15 बी वाई 4 कौन सा लिखा हुआ देख लो यार, मैंने कौन सा रट्टा मारा हुआ यार इस पे। जेड सी हमारे ब्लॉग पे लिखा हुआ, जेड सी डुअल का ब्लॉग, जेड सी का यानी पिस्टन आर वेरी गुड। ये तो लाइक मी, ये तो वो हो गया, ये तो प्रॉफिट हो गया। हां प्लीज यार, जेड सी का ब्लॉग है इसमें, हेड सादे डी का गुड यार, होता शोदा इज क्लीन, होता भी साफ है, नो गिलावट। ये कस्टम 150 रुपए वाली स्टड बार भी लगी हुई है। साजो पकड़ना टिकट भाई, कैसी लग रही मदनी आपको? मदनी जैसा कोई नहीं है माशाल्लाह यार, क्लीनेस्ट इंजन पे एवर इन पाकिस्तान। अभी तो बड़ा काम है इसका यार, इसकी एक चीज मुझे याद नहीं मिल रही। क्या? क्रोम वायर लूम, क्रोम वायर लूम मामा टीका यार, वो ना ये जैसे सिर्फ अब ये तारे जो नजर आ रही है ना, ये तारे हैं, ये छोटी मोटी ये तारे सेट कराते हैं ये पाइप्स, और ये वाली इनके ऊपर एक वो आता है प्लास्टिक के कवर, ये इसको बोलते हैं वायर लूम। इसमें क्रोम में चाहिए तुम्हें? ये बाहर मिल रही है या नहीं मिल रही? पाकिस्तान में सिर्फ ब्लैक ओनली अवेलेबल, बाहर ऑनलाइन आपको क्रोम भी मिलती है, हर कलर में मिलती है। क्रोम मिल जाए ना तो सोच, छोटी मोटी ये तो नहीं, ये क्रोम हो, ये हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं क्रोम की आ रही हो तो क्रोम क्रोम यू नो ब्लिंग ब्लिंग हो जाएगा। बाय, फिर से हम सात सर्वर को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्वेटा चलो ट्रीट दो लो, बहुत खर्चा हो गया, कितना खर्चा किया गाड़ी के लेके आज लेते साथ, गाड़ी ट्यून भी हो रही है, ट्यून करने आए हैं इधर बैरियर डाउन गाड़ी लेके, तीनों साहब कह रहे हैं बैटरी नहीं। हाँ ये फर्स्ट है, दुकान के अंदर चले जाना ना भाई, चार्जर है। नहीं मैं स्टीयरिंग दिल लगा हुआ ना, कि गाड़ी हम उसकी ट्यून करके आ गए हैं, गाड़ी मतलब हमने ट्यून तो नहीं किया, हमने मैप उसका बेहतर किया है, गाड़ी थोड़ी क्लियर की है, गाड़ी रिच बहुत चल रही थी शुरू में, आपने पिछले रन्स में देख लिया काला धुआं साथ साथ निकल रहा, गाड़ी सेकंड गियर में बैठ जाती है। अभी हमने बेहतर किया उसके, हमने रबी रन्स और नहीं खींचे क्योंकि वहाँ बैरिया वाले तो रख गए थे, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके भी काम देखते हैं कि आगे ट्यून बेहतर करते हैं, फिर उसके रन्स आपको मंडे दिखाएंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।